जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वार्ड नंबर 18 से टोटल 11 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक सादत सर हैं। सभी कंटेस्टेंट में सादत सर सबसे अच्छे हैं, क्योंकि जैसे ही कोविड शुरू हो गया है, सादत सर फर्स्ट वेव में जो है ना राशन किट बिना मजहब व मिल्लत के सभी को राशन किट तकसीम किए हैं। सेकेंड वेव में जो है ना रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे हॉस्पिटल बेड हो, ऑक्सीजन हो, सभी को अरेंज किए हैं और हर 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 किसी का काम करते हैं बिना मजहब देखे हुए सादत सर। मैं समझता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें सबसे सही सादत सर हैं। सर सादत सर जो है ना सईदा बेगम जो एक्स डिप्टी मेयर एक्स मेयर रह चुके हैं उनके फर्जन हैं, और सादत सर अब्बू भाई के भाई हैं, छोटे भाई। जो अब्बू भाई जो है ना माइनॉरिटी चेयरमैन रह के कई लोगों को माइनॉरिटी की स्कीम्स दिलाए हैं, लोन्स दिलाए हैं कमर साहब की सदारत में। मैं वार्ड नंबर 18 की आवाम से ये अपील करता हूँ कि अपना कीमती वोट सादत सर को देके भारी अक्सरियत से कामयाब करें और दूसरे लोग को बताएं कि सादत सर लोगों जो है ना सादत सर का फुटबॉल है खेला हो गए। अब्बू भाई का शुक्रिया अदा है, सादत उस्ताद का शुक्रिया अदा है, बहुत काबिल आदमी है, बाल को वोट दीजिए। काम क्या करे उन्होंने? बहुत काम करे लॉकडाउन में, अल्लाह का फजल है, गरीबों को बहुत साथ दिए, चावल दिए, राशन दिए, सब दिए। क्या देखेंगे आगे, आप ठहरे हैं अब उनके पास साथ तो आज जिता लेंगे बिल्कुल बेशक, अल्लाह का फजल। हमारे को दवा खाने को बताए, मेरे को एकदम हालत खराब थी, बहुत कुछ करे, हमारा ख्याल करे, अबू भाई भी उनके भाई भी, और राशन पानी दिए, सब दिए, कभी भी मेरे को खाली नहीं करे, पैसे दिए, बुसेट उनके भाई साहब भी दिए आजाद भाई, और वोट अबू भाई को देंगे वोट। हाँ उनका फुटबॉल चैनल बॉल को देंगे बॉल को उनको जिता के लाएंगे। वार्ड नंबर पहले 11 था, 11 से जो है ना हल्का नंबर वार्ड नंबर 18 हो गया। हमारे जो है ना अबू भाई पहले जो है ना मेयर बन चुके हैं, अब जो है ना किट जो है ना रमज़ान के महीने में जो रहमत वाली बारिश बोलते हैं ना, रहमत वाली बारिश जो है ना उस बारिश में 4,500 किट हम मेहनत करके जो है ना उस बारिश में हम जो है ना तकसीम करें हैं। अब इंशाल्लाह जो है ना वार्ड नंबर 18 में जो है ना सीट नहीं मिलने की वजह से हम जो है ना ये बाल जो है ना आज़ाद पार्टी से जो है ना टिकट मिली है, मगर जो मिलना था टिकट जो कांग्रेस से नहीं मिली हमारे को, जो ना किस लोगों की जो ना साजिश है मगर नहीं मिली हमारे को, हम जो ना बिंदा जो ना ये गेला बोलते हैं ना, ये गेला बोल के जो ना ये हमारे जो ना एक जैस के रूम में जो लेकर आए हैं। अब जो है ना ये गेला जो न्यूज़ काले हैं जो हमारे जो ममता बनर्जी गेला बोल के वो अंदाज पे ये करें सादत बगू जो ना वोट दे के जो ना कामयाब करेंगे। हल्का नंबर 18 से जो ना कांग्रेस की उम्मीद जो ना 3 साल से लगातार जो है ना मेहनत कर चुके हैं सईदा बेगम, और जो ना वार्ड नंबर जो ना हमारे अब्बू भाई इतना मेहनत करे 3 साल से जो ना बोले कि जो ना टिकट आज देंगे, तीन साल सबर करे मगर टिकट जो है ना नहीं मिली, आखिर में जो ना चला के जो है ना रात में 3 बजे ऐलान करे कि जो ना टिकट नहीं देंगे बोल के। हाँ टेम उनके पास जो ना बहुत कम था मगर जो ना मजबूरन जो ना छोड़ना पड़ा, उनको महसूस ये हुआ कि जो ना खमर साहब जो ना हमारे वास्ते जो ना पीर की रात में खमर साहब जो ना हमारे लिए जो ना आज मर गए बोल के जो ना ऐलान कर चुके हैं। अब्बू भाई होंदे या सईदा बेगम होंदे उन्होंने बोल चुके हैं मेरे जो ना वास्ते जो ना सईदा हमारे जो ना हल्का नंबर जो ना खमर सलाम साहब बोल लीजिए जो ना हमारे लिए मर चुके हैं बोल के जो ना ये कर लें। माँ और बहनों से मैं बहुत बहुत खुश हूँ जो उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के जो वार्ड नंबर 18 के सादत हुसैन सर जो कैंडिडेट जो मेरे छोटे भाई हैं उनको हमने टिकट के लिए बहुत कोशिश की और मेरे माँ के लिए भी मैं बहुत कोशिश किया, कैंडिडेट हमको टिकट हमको नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, उसमें क्या अल्लाह की मर्जी थी कि हम वो नहीं बोलते। खैर आप सबको मालूम है, आप सबको प्रेस वाले को मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मेरे सारी कौम मेरा वार्ड नंबर 18 जो है मेरा दिल है, अब सारे लोग बोलेंगे आप अब्बू भाई आप इस बार इलेक्शन में कंटेस्ट हो जाइए, तो हमने पूरा डिसाइड किया कि मैं और मेरी माँ और मेरा भाई हम बोलेंगे मैं इस बार मेरे भाई के लिए मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ, इस बार मेरे भाई को चुनाव इंशाल्लाह इस वार्ड नंबर 18 से जीता को लूँगा इंशाल्लाह। और एक बात, अब रही बात टिकट हमारे अम्मी को नहीं देने की, खैर उनके दिल में क्या था, अम्मी को 3 साल से दे तुम बोले, ये सच्चाई है कोई ये नहीं है। हमको जिस दिन इतवार के दिन 22 तारीख को रात में हम 4 घंटे उनके घर पे बैठे, मेरा फ़ोन ना कोई MLA उठाया ना उनका बेटा उठाया ना
उनके पास एक भांजा रहता है ना उन उठाया, उनके पास भतीजा रहता था उन उठाया, और वहादी साहब भी नहीं उठाए, मजहर आलम खान साहब भी नहीं उठाए, जैदुल साहब भी नहीं उठाए। चार घंटे हमने बैठे वहाँ पर, उनके घर पे कैमरे भी हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे पर बीती है। मैं बोला अम्मी को, अम्मी हम और आप सीधा चलेंगे निकलेंगे, शायद इनका फ़ोन नहीं आया, जबकि इन्हों खुद बोले थे हमको डीडी डालो। कहाँ पर? कांग्रेस ऑफिस में। हमने डीडी डाला, उन्होंने बोले वार्ड नंबर 19 से आप डीडी डालो। ये उनका बयान है मेरे फ़ोन में, उनका बयान है, जो मैं उनको भाभी माँ बोलता हूँ, जो माँ के सका उनको चाहता था, मैं माँ से भी बड़ को चाहता था। आज उन्होंने मुझे मेरे बेटों को धोखा दिया, तो मैं वो बोलना नहीं चाहता। अल्लाह उनको अच्छा लगे, सेहत दे, अल्लाह उनको और तरक्की दे, मगर हम उनके खिलाफ नहीं जाते, हम ना ना नाम कोई बोलना चाहते। अब रही बात हमारे माँ की, एक लास्ट ख्वाहिश थी, तो हम बोले सब मिलकर डिसाइड करें, हम सादत सर को, हमारे सादत सर जो मेहनत करे हैं लॉकडाउन में, शायद आप देखें एनजीओ से जुड़ के, जैसा कि किट बांटे हैं, चावल बांटे हैं, शादियाँ करे हैं, क्या क्या करे हैं, उनको पूरे आपको बोलने की जरूरत है, आपको सब आप पूरे प्रेस भाइयों को मालूम है। और एक बात ये चीज़ है, मैं क्या कर रहा क्या नहीं, आप लोगों को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, बोलना मैं नहीं चाहता। इतना एक मेरी अदबन गुजारिश है मेरे वार्ड नंबर 18 से, लोगों के आवाम से, माँ और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों से, हर एक कीमती आपका वोट है। इस बार अगर आप किसी को गलती से भी चुना के लाएंगे तो बहुत आपके लिए ये होगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भाई को इस बार वोट दा के जिताइए और उनकी हिम्मत अफजाई करिए, और हमारे भाई को हम इस वार्ड नंबर 18 में आपकी खिदमत के लिए छोड़े हैं, हम आपके खिदमत के लिए हम छोड़े हैं हमारे भाई को, सादत सर को, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही उनके इसमें जज्बा है, काम करने का जज्बा है, एनजीओ है, उनके पीछे कैडर है, और ये कैडर को लेकर उन्होंने जो चलते हैं, ये महल्ले में सबको मालूम है, और हमारी फैमिली पूरी जुड़ के है, कोई अलग कोई भेदभाव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारे कौम में हमारे हिंदू भाई हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, हमारे यसी भाई हो, एक एक वोट अपना डिवाइड होने मत दीजिए। इस बार का इलेक्शन हर बार से अलग है। ये इलेक्शन आप अगर हमारे भाई को जिताएंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आप हमारे को पकड़ कर पूछ सकते हैं, और हमारा घर 24 घंटे खुला है। हमारे घर में आपको कोई टेंशन नहीं है और कोई ये नहीं है, ऐसा हमारे पर भेदभाव नहीं है, हम किसी खिलाफ हम बोलते भी नहीं, हम किसी खिलाफ जाते भी नहीं, और ये हमारा ये एक ही है। इस बार हमारे भाई को ठहरा करें वार्ड नंबर 18 से, जिनका निशान फुटबॉल है, जो 11 नंबर पर है, 11 नंबर पर हज़रत ख्वाजा मुन्ना नासिर 11 सीढ़ियाँ, वो नंबर पे आए, हम बिस्मिल्लाह बोलकर पहला वोट जाके सीधा 11 नंबर पे, लास्ट नंबर हमारे भाई का है। इंशाल्लाह सब जीने के मैं गुजारिश करता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक एक वोट आप किसी को मत दीजिए, हमारे भाई साहब को दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो काम है मेरे से आप ले सकते हैं। और मैं मेरे बेटे को इसलिए ठहरा करी हूँ, मैंने कनिष फातिमा मेरे को धोखा दिए बहुत बड़ा, मेरे को 3 साल से बोले तुम्हारी सीट कायम है, तो आइन टाइम पे उन्होंने सीट नहीं दिए, तो बिल्कुल खराब दिखा, मगर क्या करना, हमारे कायदेज नहीं रहे, उन्होंने बिल्कुल मेरे को बहुत ये करते थे, नजदीक करते थे। एक बेवा औरत है, हौसैदा बेगम कैसा ठहरे, छोटे छोटे मेरे 6-7 बच्चे थे, जब से उन्होंने मेरे को टिकट देते है अभी तक, जब कारपोरेशन बने जब से मैं जीतती हूँ अभी तक, और ये बात नहीं है मैं हटी रही, एक लेडीज सब लेडीज में जाकर चेक करो, मेरा छह नाम हुआ, मैं एक ही जीती हुआ, कोई भी नहीं, अबू भी नहीं, तो मैं आता बोल को अब ये लोग क्या इनके दिमाग हाथ है क्या चले, अल्लाह मालूम, रसूल को मालूम, उनके दिलों को मालूम, मगर मैं ये बोलना नहीं चाहती, बस अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे, हमारी जगह हमको अल्लाह मियाँ खुश रखे, तो बस। और हाँ, खमूर साहब की खमी तो बहुत लग रही है हमारे को, बहुत अच्छे थे उन्होंने, समझते थे आदमी को आदमी क्या है, औरत क्या है, बिल्कुल आदमी को समझ में आता था। इन औरत जीत को एक बात ना समझ रहे, ना बड़ों को ना छोटों को, खाली सईदा बेगम आप बड़े हैं, बैठो मैं बाद में बैठू, बोले तो मैं बोली इतनी बड़ी इज्जत दे रहे हैं, तो मेरे तुम्हारा कन्फर्म है टिकट बोल को साहब मरे जब से अभी तक बोले ये लोग ऐसा झूठ बोल को पेंटिंग ब्रोक इन टाइम पे घर में नहीं रहे लोग, दो तीनों खुद गई मैं नहीं रहने को, मैं बोली चलो अब इनका इरादा नहीं रहे तो हम कहीं को पूछना, चलो हमें भी आदत डालेंगे क्या अभी कहीं को छोड़ना, इतने साल तक कारपोरेशन की फाउंडेशन जब से मैं जीती हूँ, 2 हार हुई मेरी, बाकी की पूरा एमएससी मिल से फर्स्ट मेरा घर यहाँ, मैं तो एमएससी मिल से जीती हूँ, मोमिनपुरे से जीती हूँ, और पायन से एक बार हारी थी, उसके बाद ये बार मेरे को हराए।
मैं सादत हुसैन वार्ड नंबर 18 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और मेरा सिंबल है फुटबॉल। यहाँ के अवाम ने मुझे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा, क्योंकि हमेशा हमारे घर से जो होना है कांग्रेस की टिकट मिला करती थी खमरुल इस्लाम के उस ज़माने से, लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हुए खमरुल इस्लाम के गुजरने के बाद कुछ ऐसे लोग हावी हो गए हैं वहाँ पर जो ना अच्छे अच्छे ईमानदार लोगों की टिकट काटी गई है और टिकट की जो ना फिरौती की गई है। तो ऐसे मामले में अब उसके बारे में ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और वक्त भी कम है। फिर इसके बाद में जो है ना हमारे एरिया के लोगों से मैं गुफ्तगू किया, मशवरा किया, तमाम घर वालों से जाकर मैं बात करा, हमारे दोस्त अहबाब हमारे वोटर से सबसे मिलकर जो है ना बात करने के बाद में सब लोग बताए कि जो है ना आप आज़ाद उम्मीदवार से आप यहाँ पे 18 नंबर से कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको जिताएंगे। ये मेरा डिमांड जो है पब्लिक डिमांड है, ये पब्लिक डिमांड से मैं जो है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में बना हूँ और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जो है ना मैं मुझे इस इलेक्शन में इस कॉर्पोरेशन बल्दिया इलेक्शन में जो है ना आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए और अपने वोटों का गलत इस्तेमाल ना करें। जो आजकल बहकाने वाले लोग बड़े बड़े लोग जो है ना आपके घर तक आएंगे वोट मांगेंगे, फिर वही होगा जो 5 साल में जो आप जो 7-8 साल में जो आप पे जो बीती है आप पे जो गुजरी है फिर आपके साथ वही होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच आज खमरुल इस्लाम नहीं है और पार्टी का इंसाफ भी उस तरीके से नहीं चल रहा है। तो मेरा ये कहना है पिछले 10 साल से जब मैं फील्ड वर्क में था तो मेरे एक अपील पेपर भी है, उसमें जो है ना मैंने पार्टी के लिए फर्स्ट मैंने हेल्थ कैंप रखा, उसके बाद में जो मैंने आधार कार्ड का कैंप रखा, इलेक्शन आईडी प्रूफ का काम रखा, फिर ऐसे कई चीज़ों पर जो है ना ध्यान दिए, पार्टी के हर एक्टिविटीज़ पे मैंने काम किया, लोगों के कई खिदमात किया, रोड हो या नाली हो या लाइट के मामले में या फिर जो बोरेल के मामले में पानी के मसाइल के उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे अंजाम मैं दिया हूँ। इन 10 सालों में जो है ना मेरे पार्टी में जब मैंने काम किया तो मेरे ऊपर कोई चीज़ का एलिगेशन नहीं है, तो लोगों ने ये मुझे सब देखते हुए जो है ना खुद लोगों का पब्लिक का डिमांड है कि मुझे वार्ड नंबर 18 से कंटेस्ट करने के लिए मुझे बोला गया और इंशाल्लाह ये जीत तो मेरी पक्की है। मैं बड़ी बात तो नहीं हूँ कहूँगा और जो मेरा सिंबल जो मिला है मुझे फुटबॉल का वो सीरियल नंबर 11 को आता है जो लास्ट नंबर है, आप लोग इसी पे बटन दबाकर मुझे कामयाब करिए, क्योंकि कुछ मुफाद परस्त लोग सियासी मुफाद परस्त लोग आज जो हालात जो पैदा कर चुके हैं गुलबर्गा शहर में इनके खते इनके बातों में ना आए। आप अपना आप लोग सीधे लोग हैं, आप लोग रोजी रोटी करके कमा कर अपने घर जाकर आप आराम करने वाले लोग हैं, आप अपने बीवी बच्चों को अपने खानदान को देखने वाले लोग हैं, आप यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो आप ईमानदार लोग जो है ना अपना ईमानदारी से आप अपना वोट आप इस भाई को दीजिए और कामयाब बनाइए। उन फिरका परस्त लोगों के बीचों में बातों में मत आइए और अपने वोटों को ख़राब ना करिए। वो लोग आपको हर तरीके से जो है ना आपको साजिश में अटकाएंगे, आपको लालच देंगे, आपको कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ। कोविड जैसे मामले में मैंने बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेकर मैंने काम लिया, वो कोविड के इस मामले में लोगों की जब कोविड के पेशेंट हुआ करते थे वहाँ पर लाशों को हाथ नहीं लगाया करता था, पीपी किट पहना कर उनको जो दूर से जलाया जाया करता था, वैसे जी कि हमने उन लाशों को हाथों से उठाया है। अरे यार हम तो इतना काम करे हैं कि जो हमारे अल्फाज हम बोल भी नहीं सकते, ये तमाम लोगों को मालूम है। बस ये मेरी अपील है कि जो है ना आप अपना कीमती वोट मुझे देकर कामयाब बनाइए। मेरा नाम सादत हुसैन है, फिर से मैं कहूँगा अभी हम लोग एक रैली की शक्ल में गए थे, वहाँ पे तमाम आवाम भी थी, आपको देखने को मिला कि जो है ना पब्लिक का लगाव हमारे से किस तरीके से है। हमेशा जो रैलियाँ होती हैं वो सिर्फ सड़कों पर जो है ना होकर जितने कमर्शियल एरिया आते हैं वहाँ पे जो है ना अपने अपील पेपर बैलेट पेपर देकर जो है ना लोग चले जाते हैं, लेकिन हमें घर घर जाने के बाद हमारे पास क्या रिस्पांस मिला हमको, ये हमारे रैली की शक्ल में जो है ना हमारी कैनवसिंग हो गई किस तरीके से हो गई, ये मूवमेंट किस तरीके से बदले, क्योंकि हमारे जो है ना आवाम जिस तरीके से मूवमेंट पे हमको चाहती है हम उस तरीके से हम लोग आवाम के लिए बदल लेते हैं, उनके लिए हो जाते हैं हम, ये 100% बीट कर पाएंगे। हालात जो पैदा हुए हैं आज इस गुलबर्गा शहर में, जो खमरुल इस्लाम का कैडर था वो पहले तो कैडर को ख़त्म किया गया और जितने लोग आज कांग्रेस के देने के लिए बात कर रहे थे वो खमरुल इस्लाम का कैडर था और बीजेपी की तो यहाँ पे जो नामिंद वाली बात है, जब तक हम यहाँ पर हैं खमरुल इस्लाम के जो सिपे सालार यहाँ पर जिंदा हैं जब तक यहाँ पर कोई ताकतें जो है ना फिरकावरस्ता ताकतों को अंदर घुसने नहीं देंगे, बस ये हमारा वादा है और इंशाल्लाह हम जीत कर बताएंगे इलेक्शन, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत होने दो, चाहे कितने भी हम पर जो है ना जुल्म उठाने दो, हम आवाम के लिए हम जिए हैं, आवाम के लिए हम जिएंगे इंशाल्लाह।